लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। की भर्ती के लिए फिजिकल कराया गया था, मेडिकल कराया गया था, जो हजारों युवा हमारे उत्तराखंड का इंतजार कर रहा था कि भाई अब हमारा लिखित परीक्षा होगी, हम फौज में जाएंगे, देश सेवा करेंगे। तुगलकी फरमान जारी हो गया कि उस भर्ती को निरस्त करते हैं और अग्निपथ योजना 4 साल की भर्ती, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की भर्ती, उसके बाद आप घर जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो युवा खुद के भविष्य को सुरक्षित नहीं समझ पाएगा, क्या उसके मन में वो सेना में जाकर अपने प्राण देश के लिए निछावर करने की बात पैदा हो पाएगी? जिसका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है कि 4 साल बाद वो कहां जाएगा, 24 घंटे उसके दिमाग में ये बात चलेगी? आप बताइए, पूरा उत्तराखंड, सबसे ज्यादा सैनिक उत्तराखंड से इस देश में है, जो सीमा पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और आज कह दिया सैनिक संविदा पे जाएगा। मैं तो आपसे कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप हर जगह कहते हैं मैं सैनिक पुत्र हूं, मैं सैनिक पुत्र हूं, आज आपको इस उत्तराखंड के युवाओं की आवाज के लिए, इस उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए इस अग्निपथ योजना का खुला विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये अग्निपथ योजना हमारे देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम जिसको सुरक्षा में लगा रहे हैं उसको 4 साल की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे उसके माँ बाप, उसके बच्चों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस योजना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत जहां 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी। साथ ही इस योजना से देश के ऐसे युवाओं को बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा, और एक अनुशासन भी उनको जीवन में निश्चित रूप से, जो 4 साल वो देश की सेवा करेंगे उसमें अनुशासित भी होंगे, देश की सेवा का जज्बा भी होगा और हर किसी को अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे ही युवा नए भारत की नींव रखेंगे और जिस नींव पर उस नए भारत का निर्माण होगा, जिसकी हम लंबे समय से कहते थे कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, हम पुनः विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अग्निपथ योजना हमारे देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम जिसको सुरक्षा में लगा रहे हैं उसको 4 साल की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे उसके माँ बाप, उसके बच्चों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस योजना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम उत्तराखंड के युवा आज पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, खप्तीमा, उत्तरकाशी, हजारों की संख्या पर सड़कों पर निकले हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं आप हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो आप लोग हो, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में ही, मुझे लगता है रिश्तेदारी में, बिरेदारी में, नातेदारी में, किसी न किसी के घर से कोई सेना में होगा, और आप पूछिए क्या ये अग्निपथ योजना सही है। आप डिबेट कराइए चैनलों में, बुलाइए आर्मी के पुराने अधिकारियों को, बुलाइए हम लोगों को, और बुलाइए जो युवा तैयारी कर रहा है फौज की। क्या कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति इस अग्निपथ योजना से संतुष्ट है? इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश मिल रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र सेवा की दिशा में किए गए इस अनुपम प्रयास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया है। इस योजना को लेकर देश का और हमारे प्रदेश का युवा अत्यंत उत्साहित है।
जहां वैश्विक महामारी चली है, वैश्विक महामारी के बाद बहुत सारे काम हमारे रुक गए हैं, उसके बाद ये योजना लाई गई है। और एक अग्निवीर ने तो मुझे अपनी दो लाइनें लिखकर भी भेजी, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि अग्निमय हूं, अग्नि रूप हूं, मैं अग्नि से आखंड हूं, हां मैं अग्निवीर हूं, हां मैं अग्निवीर हूं। धधक रही राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हृदय में, धधक रही राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हृदय में, मैं उसी में आसक्त हूं, हां मैं अग्निवीर हूं, हां मैं अग्निवीर हूं। सेना से उत्तराखंड का जुड़ाव सर्वविदित है। हमारे यहां के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं को भारतीय सेना का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में, जहां भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं, राष्ट्र व राज्य का नाम रोशन करें, अपने शौर्य और पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराएंगे। यहां पर मैं सभी उपस्थित, क्योंकि आप सब लोग हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ये बात क्योंकि सही मायने में आप जिस प्रकार से एक शिल्पी के रूप में और देश को जिस प्रकार से बनाने का काम 2014 से निरंतर जारी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जो अग्निवीर योजना आई है वो योजना कम से कम पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाली है। अधिकतर युवाओं को इसमें मौका मिलने वाला है। तो मैं आप सब के माध्यम से चाहूंगा कि ये बात हमारे प्रदेश के कोने कोने तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।